खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। भवानी जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं जिले में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में लक्ष्य की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। लोग वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने बड़वानी जिले की जनता से वैक्सीनेशन करवाने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी भ्रम में ना पड़े और वैक्सीन जरूर लगवाए। भारत की वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है और कोरोना से लड़ने में कारगर भी है, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाए। वैक्सीन आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और कोरोना से लड़ने में मदद करेगा, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वैक्सीन जरूर लगवाए। राजपुर नगर के बड़वानी जिले के सभी आम जनता से, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोरोना की इस महामारी में हम सब मिलकर 18 वर्ष से लगकर हमारे सब बड़े बुजुर्गों को आप वैक्सीनेशन कराइए। वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। इस वैक्सीन लगाने से आपकी जान बच सकती है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। निश्चित रूप से आपको कोरोना का टीका लगने से आप अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने मिष्ट मित्रों सबके सहयोग करने का काम करने वाले हैं। अगर वैक्सीन आपने लगाया था, वैक्सीन नहीं लगाया था, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आप अपने आप को धोखा नहीं दी, वैक्सीन आपके लिए मददगार है, वैक्सीन से आपको फायदा ही फायदा है। इससे कोरोना से लड़ने में हमको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। आज पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार कोरोना ने पैर पसारे हैं, पूरे देश के अंदर कोरोना ने पैर पसारे हैं, हम कितनी भी व्यवस्था कर लें पर इस व्यवस्था को ध्वस्त कर हो जाएगी। यदि हम अपने घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हम मास्क लगाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हमारी ज़िंदगी मास्क है। अभी हमको इस बात को तय करना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कल आग्रह और निवेदन किया है अपने संदेश में कि हम लोग 30 अप्रैल तक अपने घर पर ही रहें और हम अपने घर पर ही रहकर इस कोरोना की बीमारी को मात दे सकते हैं। इसलिए मेरा सब लोगों से निवेदन है कि वैक्सीनेशन कराइए और अपने घर पर ही रहिए। बहुत आवश्यक हो तो हमको घर से निकलना है। हम चाहें तो हमारे मोहल्ले की तालाबंदी कर सकते हैं, हम चाहें तो हमारे वार्ड की तालाबंदी कर सकते हैं, हम चाहें तो 3 वार्डों की मिलकर तालाबंदी कर सकते हैं, हम चाहें तो नगर को संपूर्ण 100% लॉकडाउन करा के सरकार के इस काम में हम सहयोग कर सकते हैं। और सरकार का ही नहीं, हम सबका काम है। जान हमारे भाइयों की जा रही है, चाहे हमारे जान जा रही है हमारी बहनों की जा रही है, जान हमारी माताओं की जा रही है। इसलिए हमको इन सब से बचने के लिए, और जो पेशेंट कोरोना संक्रमित है उनका सरकार प्रशासन पूरी तन्मयता से, हमारे डॉक्टर्स पैरामेडिकल का स्टाफ बहुत चिंता के साथ उनका इलाज और ट्रीटमेंट कर रही है, पर उन सबको सहयोग देने के लिए हम सब लोग आगे आए। हमको हमारे घर में ही रहना है और वैक्सीनेशन हमको कराना है। बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।